सब गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सोहेल शेफ की ब्लॉग्स। तो जैसे कि पीछे साइड में देख रहे हो, इस बार आए हुए हैं हम एरो रेस्टोरेंट नोएडा। इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि टिकट टाइमिंग लोकेशन और अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में आपको मिलने वाली है। तो चलिए इस ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टिकट टाइमिंग लोकेशन और पार्किंग के प्राइस के बारे में। तो टिकट जो है बोर्डिंग पास ओनली आप 100 रुपये का हो जाएगा। 100 रुपये में आ सकते हो, घूम सकते हो। देख लो कि जो खाने वाने का प्राइस होगा वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा ऊपर की साइड में। एंड बात करें पार्किंग के प्राइस के बारे में, पार्किंग जो है वीक डेज का है 2 व्हीलर का है 25 रुपये का और वीकेंड का है 35 रुपये का। और 4 व्हीलर का जो पड़ता है सेमी पड़ता है वीक डेज वीकेंड 80 रुपये का। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नोएडा सेक्टर 18 पड़ता है, वहाँ से एग्जिट लेने के बाद आपको ऑटो मिल जाते हैं। एंड बात करें टाइमिंग के बारे में, तो टाइमिंग जो है इसकी पड़ती है सुबह 12 बजे से रात के 3 बजे तक ओपन रहता है और हफ्ते में 7 दिन खुला रहता है। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि पीछे साइड में देख लो, अभी 12 बजने वाले हैं और एरो रेस्टोरेंट नोएडा वाला ओपन होने वाला है। तो चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। वो हाई कर रहे हैं, हेलो। सो ये बाहर का कुछ नज़ारा है जो कि देख रहे हो, यहाँ से एंट्रेंस है यहाँ से, और यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं और एंट्री करते हैं इसके अंदर। यहाँ से बोर्डिंग पास जो है वो अब 100 रुपये का हो गया है। इसमें एक फ़ायदा हो चुका है, जैसे कि हम कुछ नहीं खाना चाहते हैं, बस बोर्डिंग पास से जाना चाहते हैं, तो मतलब हम घूम के ही आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, बस इसमें खाने वाने का अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ से पीछे साइड से हमने एंट्री किया, एंट्री के बाद हमें देखने को मिलता है एरो रेस्टोरेंट, जो कि कुछ इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है देखने में और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है देखने में। एंड चारों साइड में सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं, जहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एलिफेंट देखने को मिलते हैं। एंट्री करने के बाद हमें पीछे की साइड में यहाँ पे देख रहे हो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको एलिफेंट देखने को मिल जाते हैं। एक तरह से इनका ग्रुप है, यहाँ पे आप फोटो शूट कर सकते हो। एंड पीछे की साइड में आपको देखने को मिलता है एरो रेस्टोरेंट, जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसके अंदर का नज़ारा। साइड से आने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रसोई, जिसमें खाना वाना बनाया जाता है। एंड यहाँ पे आपको जेंट्स और लेडीज दोनों ही बाथरूम देखने को मिल जाता है दोनों का। और ये कुछ आसपास का नज़ारा है। एंड यहाँ पे मिसाइल रखी हुई है कुछ इस तरीके से, और पीछे की साइड से कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है एरो रेस्टोरेंट का नोएडा वाले का। और इस साइड चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे देखो एक इसी तरीके से एक वो बनाया हुआ है 360 डिग्री ट्राईपोर्ट, जिसपे हम पूरा मतलब पूरा नज़ारा ले सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। आप 360 डिग्री का जैसे कि आपने देखा कि इस तरीके से एंगल लेना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको फोन लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको इसे रोटेट कर सकते हो दोनों तरीके से, और इसको इस तरीके से आप देखो यहाँ पे खड़े हो जाना है आपको, और इसके बाद आपको मतलब इस तरीके से घुमा देना है इस तरीके से, और इसके बाद आप 360 डिग्री पूरा एंगल ले सकते हो। एंड चलिए अब चलते हैं एरो रेस्टोरेंट के अंदर की साइड में, वहाँ से एंजॉय करते हैं, देखते हैं अंदर का किस तरीके का नज़ारा है। एंड जैसे ही मुंबई की साइड में आते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से पूरा अरेंजमेंट कर रखा है ऊपर जाने का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड देखो पीछे साइड में जाते रहेंगे, अच्छी अच्छी तरीके की आपको लाइटिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड नज़ारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अब तक तो बेस्ट लग रहा है मुझे। चलिए चलते हैं अंदर की साइड में, चलते हैं चलिए। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है, देखो चारों साइड का नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार, चारों साइड में आपको लाइटिंग दिखने को मिलती है, देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त नज़ारा है। और इस साइड से हम जैसे एंट्री करेंगे हमें दिखने को मिल जाएगा एरो रेस्टोरेंट का अंदर का नज़ारा। एंट्री के बाद ही हमें सबसे सामने की साइड में देखने को मिलता है वो है कॉकपिट, जिसका प्राइस है 50 रुपये का 10 मिनट के लिए, जिसमें आप जा सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो एंड फीलिंग ले सकते हो बिल्कुल एक तरह से पायलट वाली। सामने साइड में आपको 3D पेंटिंग देखने को मिलती है, जो कि देखो बिल्कुल 3D है, इधर से देख लो, इधर से देख लो, कुछ भी देख लो। एंड ये अंदर की साइड से आपको नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक है, बढ़िया लग रहा है देखने में। चलिए अपने आपको यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है एरो रेस्टोरेंट फूड मेन्यू। एंड देखो ये हैं सारे सूप, जिसका प्राइस सामने साइड में इनका नेम लिखा हुआ है, और ये प्राइस है सैलेड्स।
साइड का नज़ारा है, यहाँ पर साइड में लाइटिंग है काफ़ी ज़्यादा और अच्छा नज़ारा हो रहा है साइड से। पीछे की साइड से वहाँ से हमने एग्जिट ले लिया है, चारों साइड का नज़ारा देखो। पीछे की साइड में आपको रेस्टोरेंट देखने को मिल रहा है जिसके अंदर से आप ही हम आए हैं, और ये बैक साइड के चारों साइड का नज़ारा है। पीछे साइड में किसी ने जो मैंने आपको दिखाया था, और ये चारों साइड का नज़ारा मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड अपने नीचे चलते हैं, नीचे थोड़ा इन्जॉय करते हैं। फिलहाल ऊपर की साइड से हम नीचे आ चुके हैं, नीचे का आपको दोबारा से दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ बढ़िया तरीके से। नीचे की साइड में भी अगर आप नीचे डाइनिंग करना चाहते हो तो नीचे भी कर सकते हो। नीचे की साइड में सेटिंग एरिया बना हुआ है, सोफे रखे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये कुछ आसपास का नज़ारा है। नीचे की साइड में आपको यहाँ पे एक तरह से एक झूला भी है जिस पर आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो, मज़े ले सकते हो, बच्चों के लिए ठीक ठाक रहेगा। एंड अभी मैं आ चुका हूँ फिलहाल मैं डीजे फ्लोर पर, जैसे कि देख रहे हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्टेज बना हुआ है जिस पर डांस कर सकते हो। फ्री में 12 बजे के बाद ये ओपन हुआ था जिस पर आप डांस कर सकते हो। यहाँ पे मिक्सर है जिस पर आप अच्छे तरीके से गाने वाने चलवा सकते हो, और ऊपर की साइड में आपको काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग देखने को मिलती है जो कि इस तरीके की है, मज़ेदार है। और नीचे चलते हैं, नीचे की साइड में बैक साइड का व्यू देखो पूरे हीरो रेस्टोरेंट का। पीछे की साइड देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो मिलता है आपको मेन पॉइंट जो कि देख रहे हो पूरा एरोप्लेन देख रहे हो यहाँ से आपको। सो आगे की साइड से जो नज़ारा वो हमें देखने को मिलता है वो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये देखो ये वाला सेल्फी पॉइंट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यहाँ से आप फोटो शूट कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आके एंजॉय भी कर सकते हो, डाइनिंग कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर आकर। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, देखो बाहर से जो कंडीशन लगती है ना देखने में वो अच्छे, मतलब बाहर से तो बढ़िया है लेकिन अंदर से बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। जैसे कि आपने देखा मतलब लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ ख़राब ही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। मेरे रेस्टोरेंट अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के लिए एक तरह से रनवे ठीक ठाक है, बाहर से ख़राब है वो लेकिन अंदर से बढ़िया है। अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो गुड़गांव वाले ब्लॉग लगा रखा है मैंने हीरो रेस्टोरेंट का, वो सबसे बेस्ट है मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा। और नोएडा वाला भी एक तरह से बाहर से ठीक है, बस घूमने वूमने के लिए ठीक है, लेकिन अंदर से जो इसकी कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो सबसे पहले बात करें अगर आप आना चाहते हो तो कौन से में आओ, तो देखो आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कहाँ पे रहते हो, नोएडा रहते हो तो नोएडा के लिए ही ठीक रहेगा, बिकॉज दिल्ली रहते हो तो दिल्ली में ही वही ठीक रहेगा। अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो गुड़गांव ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप जाना ही चाहते हो तो अगर आप गुड़गांव जा सकते हो, क्योंकि गुड़गांव जो सबसे बेस्ट है, मैंने उसका ब्लॉग बना रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये था ये रेस्टोरेंट का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज आपको इस तरीके के अमेजिंग कंटेंट्स इस चैनल में देखने को मिलते रहते हैं। एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर देना, आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।